Imagine a singer without the gift of a velvet voice. Imagine a dancer without the firm grip of his feet. Unimaginable, you would say. But it is the unimaginable that makes way for the indomitable spirit of a man whose love for dance knows no bounds. Driven by sheer grit and spirit of dance is the story of an unstoppable Indian, Kamlesh Patel. मुझे 5 साल की उम्र से जो मुझे पैरालिसिस हो गया था और उस टाइम मेरी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि कहीं बड़े अस्पताल में जाके मेरा ऑपरेशन करे, मुझे ठीक करे अच्छी तरह से. लेकिन मैं जब समझने लगा, जब मैं मेरी एज बढ़ती गई, जब मेरी समझ में आई कि पैरालिसिस कितनी बड़ी ट्रेजेडी होती है, अगर एक इंसान के साथ कुछ पैरालिसिस का भोग बनता है तो उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या मुश्किलें आती है. उस टाइम मैंने मेरे पेरेंट्स की हिम्मत बढ़ाई कि देखिए, अगर आप ही हमारी हिम्मत नहीं बढ़ा पाओगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा. मेरी हिम्मत बढ़ाने में आपको, आप लोगों का बहुत ही बड़ा रोल है. तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया, मुझे बीकॉम तक मुझे पढ़ाया तक वो लोग मुझे लेके गए. मुझे जब कॉलेज या मुझे कहीं स्कूल में जाना था तो मेरे पेरेंट्स मुझे कंधे पे लेके मुझे लेके जाते थे. पैशनेट अबाउट डांस, कमलेश पटेल स्टोरी इज नो फोकलोर. ही वर्क टू मास्टर द अमेजिंग डांस आर्ट, हिज यूनिक सिग्नेचर ऑफ डांसिंग ऑन हैंड्स. लोगों को मैं टीवी में देखता था डांस करते हुए. लोग जब आते जाते रोज जो ऐसे क्लासेस में डांस करते थे तो तब मैंने ऐसा रियल कि शायद भगवान ने मेरे पैर दिए तो मैं भी डांस कर पाता था. लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था कि मेरा जो डांस का शौक है मैं उसको कैसे कंप्लीट करूँ. तो तब मैं जब टीवी में देखता था, डांस देखता था, बस अपने जो आनंद को था, आनंद को मैं अपने अंदर ही समा देता था. लेकिन मैंने जब रियलाइज किया कि चलो शायद भगवान ने मेरे पैर ले लिए, लेकिन मेरे हाथ दो मजबूत है. अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं दो हाथ तक चढ़ सकता हूं डांस, तो मैंने ऐसा छोटा सा ट्राई किया. इट वॉज नथिंग लेस देन अ मिरेकल. पर्च्ड ऑन हिज हैंड्स, कमलेश जिंजरली टुक हिज फर्स्ट स्टेप्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ डांस. बड़ौदा में जो हमारे सर एक गुड्डू सर, मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि कमलेश जी, हम दो पैर से भी इतना नहीं कर पाते, मुश्किल होता है हमें दो पैर पे डांस करना, तो आपको दो हाथों से करना पड़ेगा, आप कैसे कर पाओगे. मैंने कहा कि सर आप मुझे एक ऐसा मौका दीजिए, एक आप मुझे थोड़ा सा हिंट दीजिए, मुझे स्टेप दीजिए. अगर मेरे हिम्मत है, मुझे हिम्मत है और मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि मैं पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन बन सकूँ. तो उन्होंने मुझे स्टेप सिखाया, मुझे डांस सिखाया और विद इन अ 6 डेज के अंदर जो मेरा जो डांस था, डांस फॉर्म, मैंने 2-3 मेरा डांस फॉर्म मैंने सीख लिया और 6 दिन के बाद मेरा एक शो ऑर्गेनाइज हुआ. टुडे ही इज द प्रिंस ऑफ बड़ौदा एज कमलेश मेक्स अ रीजनेबल लिविंग बाय परफॉर्मिंग इन डांस शोज. And till date, this unique dancer has tapped more than 1,000 performances in India and abroad. सबसे बड़ा जो मेरा टर्निंग पॉइंट था वो डांस इन डांस था. और डांस इन डांस एक ऐसा मंच था कि आज पूरे देश के वो मंच ने कि आज डिसेबल क्या कर सकता है. अगर हमारे ग्रांड मास्टर थे मिथुन दा की बदौलत आज मैं पूरे इंडिया में, मैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका हूँ. क्योंकि मिथुन दा ने एक ऐसा जरिया बनाया मुझे कि उन्होंने मेरे थ्रू पूरे देश को एक मैसेज दिया कि अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो कुछ भी कर सकता है. मेरी सफलता के पीछे मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ है. अगर मेरे पेरेंट्स हिम्मत नहीं मिला तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचा. और सबसे बड़ा जो योगदान है जो मेरे मास्टर है गुड्डू राणा, उनका बहुत ही बड़ा मेरा सपोर्ट है मेरे साथ. उसको जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर से अलग से हुनर आती है कि मैं उसको और अच्छा कराऊँ, बहुत अच्छा कराऊँ. क्योंकि जब ये कुछ नहीं था तब मैंने देखा था कि ये अपने हाथों पे कैसे बैलेंस कर रहा था. वो इतने बड़े लेवल तक गया और आज इतना बड़ा नाम कर रहा है खुद का और पूरा इंडिया का नाम, यानी सबसे बड़ा तो गुजरात का बड़ौदा, वो शहर का नाम उसने बहुत ऊपर लेके गया. आज बड़ौदा का शहर का नाम उसने हाई लेवल, यानी बहुत बड़े लेवल तक लेके गया और मुझे बहुत प्राउड है कि ये मेरा स्टूडेंट है. Kamlesh's unquenchable thirst for a better life, his unbending struggle with his challenges,
makes him a hero. This is what makes an individual truly unstoppable.